नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट आप सभी का इस वीडियो में सब स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने पता है, पिछले कुछ दिनों से हम IIM इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और अलग अलग जो IIM के इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग शहरों में, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन वीडियो दौरान और वीडियो के द्वारा लेते हैं। जैसे कि हम जब MBA के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो पहला नाम हमारे दिमाग में आता है और वो आता है IIM का। और IIM के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग शहरों में, तो आज हम बात करेंगे IIM रोहतक के बारे में। जब हम रोहतक के बारे में बात करेंगे तो हमारे दिमाग में कुछ सवाल आना स्वाभाविक है। उस सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। तो मेरे सभी दोस्तों को मेरी एक दरख्वास्त है कि ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा और आपके दिमाग में जो भी सवाल है उनके जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाले हैं। तो क्या होंगे सवाल? जैसे कि हम एडमिशन लेने के बारे में सोचते हैं, तब पहला सवाल आता है कि उस इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, फ़ी क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, वहाँ पे कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक्सेप्ट किया जाता है, वहाँ से अगर हम डिग्री करेंगे MBA करेंगे तो कितना हाईएस्ट पैकेज हमें मिल सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ओवरऑल परसेंटाइल रैंक PT क्या होगा, हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये और बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। मेरे सभी दोस्तों को दरख्वास्त है ये वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं उन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। और एक दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आपने ये मेरा एकेडमिक यूट्यूब चैनल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में जो यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इस प्रकार की नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपने आप मिलती रहेंगी। तो बिना टाइम गंवाए चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है IIM रोहतक के बारे में। और हम शुरू करते हैं IIM रोहतक के बारे में। तो दोस्तों, ये है IIM रोहतक जिसकी स्थापना 2010 में हुई है और जो इसका रैंकिंग हुआ है वो रैंकिंग हुआ है NIRF रैंकिंग के हिसाब से 21वां नंबर इसको दिया गया है। ये जो IIM रोहतक का कैंपस है वो 200 एकड़ में पूरा फैला हुआ है। अगर हम यहाँ पे होने वाले कोर्सेज की बात करेंगे, ऑफ़र किए जाने वाले कोर्सेज की बात करेंगे, तो यहाँ पे 3 कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं, 3 कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे फ़ीस की जो यहाँ के लिए चार्ज की जाती है। फ़ी जो यहाँ पे चार्ज होती है 3.01 लाख टू 6.51 लाख, ये यहाँ का फीस का रेंज है। इस रेंज में यहाँ पे फ़ीस चार्ज की जाती है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे है आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है कि किसी भी स्ट्रीम से, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। उसके लिए अगर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डिग्री में हमें 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर हम कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम की। एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर हम बात करेंगे तो कैट नामक एग्ज़ाम हमें देना ज़रूरी है जिसका फुल फॉर्म है कॉमन एडमिशन टेस्ट। उसे हमें पास करना ज़रूरी है। अगर हम हाईएस्ट सैलरी पैकेज की बात करेंगे जो पिछले साल स्टूडेंट्स को ऑफ़र की गई है वो है 30 लाख पर एनम। ये जो सैलरी ऑफ़र की गई है 2020 के जो बैच थी उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को, ये है हाईएस्ट सैलरी इस सेंटर से, इस इंस्टीट्यूशन से जो लोगों को और बच्चों को मिली है। हॉस्टल फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो इस इंस्टीट्यूशन से, इस इंस्टीट्यूशन में हॉस्टल फैसिलिटीज़ दी जाती है स्टूडेंट्स के लिए। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। जब जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 3 चीज़ों पे बेस होता है। पहला होता है कैट एग्जामिनेशन का आपका परसेंटाइल, दूसरा होता है GD का, तीसरा होता है PI का। GD को बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन, PI को बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू। इनके बेसिस पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और जब हम ओवरऑल परसेंटाइल की बात करेंगे तो इस इंस्टीट्यूशन का पिछले साल का 2020 का जनरल कैटेगरी का जो ओवरऑल परसेंटाइल था वो था 95। तो
और एक बात रह गई, वो है स्कॉलरशिप की। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे स्कॉलरशिप दिया जाता है, मगर किसको, जो लोग फाइनेंशियली बैकग्राउंड वीकर बैकग्राउंड से आते हैं, फाइनेंशियली वीक होते हैं, उनके लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो ये था वीडियो जो हमने बनाया IIM रोहतक के बारे में। मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और बहुत बड़ी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो ये था वीडियो IIM रोहतक के बारे में। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे और एक इंस्टीट्यूशन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।